गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द व्लॉग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अभी मैं सुबह सुबह नहा लिया हूँ और नया टी शर्ट फ्रेश पहन लिया हूँ, मेरी बहन ने लाया। एक्चुअली साइज़ में बड़ा हो गया, भाई के लिए जाया था तो मैं ये पहनना शुरू कर दिया। अच्छा है, मेरे को अच्छा लगा। अभी मैं एक्चुअली नहा धो के कहाँ जा रहा हूँ, सागर के घर पर गणपति की आरती करनी है। और थोड़ी सी शाम को तबीयत ठीक नहीं थी मेरी दादी की, हल्का सा उनका शुगर बढ़ गया था, तो अभी सब कुछ ठीक है। अभी सुबह डैड का थोड़ा सा बड़ा हुआ है, उनका भी दवा पानी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, भगवान से प्रे करेंगे कि सब कुछ जल्दी से नॉर्मल हो जाए, बैक टू लाइफ हो जाए और हर कोई मतलब बहुत सही तरीके से अपनी ज़िंदगी उसके हिसाब से जी सके। यही प्रार्थना रहेगी भगवान से। चलते हैं, लेट्स बिगिन द व्लॉग एंड कंटिन्यू। सो यस, तो जो इससे पहले आपने देखा नहीं तो भी 3 घंटे हो गए थे एंड मैं घर पे गया, पूजा किया, आरती की, प्रसाद दिया, सब कुछ दिया। उसके पीछे की स्टोरी मैं कभी और बताऊँगा, बट अभी मैं वापस से खा पी के फ्रेश होके सो के उठा हूँ एंड अभी दूसरे वाले घर पे जाना है, वहाँ पे भी गणपति है और वहाँ पे भी जाके दर्शन लेना है, तो अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ। सागर के गणपति जी का मतलब हमारे गणपति जी का विसर्जन भी शायद मुझे ही करना पड़ेगा। एक्चुअली चलो स्टोरी बता ही देता हूँ। एक पंडित जी हैं जिनका सुबह मतलब वो इस दुनिया से चल बसे हैं, भगवान करे उनकी आत्मा को शांति मिले। तो उसकी वजह से घर में कोई भी गणपति बप्पा की पूजा नहीं कर सकता या टच नहीं कर सकता, ऐसा सेंस है। सो मुझे जाके सब कुछ करना पड़ा। चलो कोई बात नहीं, भगवान को ऐसा मंजूर था तो इस तरीके से हो गया। बट अब देखेंगे क्या होता है, जो भी रहेगा आई लेट यू नो एंड सॉरी। कुछ भी आपको मैं दिखा नहीं पाया अभी तक कुछ भी, बट कभी कभी ऐसे ही होता है, रैंडमनेस चलता है। क्योंकि मैं आरती कर रहा था तो मैं शूट भी नहीं कर सकता और पूरी फैमिली थी, तो ऐसा किसी को बोल भी नहीं सकते ना भाई कि आप करो मुझे शूट करो, तो अच्छा नहीं लगता। सो समवेयर व्लॉग को या ये जो वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ सब साइड में रख के थोड़ा मोमेंट में प्रेजेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सो ये सब कुछ कुछ रहा तो मैं आपको बताता हूँ। और हमेशा आपको पता नहीं, नोटिफिकेशन जब भी मैं व्लॉग लेने वाला रहता हूँ तभी आता है। सो चलते हैं, देखते हैं जो भी रहेगा। ओके, तो इससे पहले जो आपने क्लिप देखा वो दूसरे घर वाले गणपति का और उनका विसर्जन है आज, और सागर के घर का भी विसर्जन है। तो अभी तक मुझे पता नहीं सागर का क्या है, अभी मैं सागर के घर पे ही जा रहा हूँ, मुझे बुलाया गया है, तो देखते हैं चल के क्या है। बहुत ही अजीब सा दिन गया आज का, लेकिन जो भी जैसा है बहुत सुंदर और सही है। लिफ्ट यूज़ नहीं कर सकते तो चढ़ के जाना पड़ेगा, चलते हैं। ओके, तो सागर भाई के गणपति का मतलब हमारे गणपति का हो चुका है विसर्जन। बहुत काम करने को लगा है इस इंसान ने आज ये बचा। भाई मैं कर ही नहीं सकता था पहले, भाई मैं क्या घर में कोई नहीं कर सकता। तो आज की समाप्ति हुई, सोचते हैं चाहते हैं कि ये सब खत्म हो जाए और हम भी चलते हैं अब घर। गाली पड़ेगी पप्पा से मेरे को, बट जो भी है खा लेंगे। गाली नहीं पड़ेगी, भगवान का काम करके जा रहे हैं नॉन वेज। हाँ वो तो है, भगवान ही बचाएंगे, आशीर्वाद मिला है भगवान बहुत ज़्यादा। सुबह की आरती, शाम की लास्ट आरती, अभी आरती, सब हमारे तरफ से। कभी सोचा नहीं था कि पापा हमको भी इतना मौका देंगे। आशीष भी पीछे आ चुका है, आशीष भाई नल्ले आदमी, नल्ले आदमी आज का। और विशाल, विशाल तो आया भी नहीं, फिर से टुल्ली दे चुका है बहुत अच्छे तरीके से। मैं बोला था आप लोगों को कि शिवम पे भरोसा कर सकते हैं, विशाल पे नहीं कर सकते, और वही हुआ है ना आशीष। बोले थे नहीं आया, मैं बोला था मैं टांग मारेगा, टांग दिया, फुल ऑन टांग दिया। विशाल तू देख रहा रहेगा तो प्लीज, हम लोग उसे टांग देंगे। हाँ टांग देंगे, टांग देंगे। चलो फिर बाय बाय, गुड नाइट, चल दुकान से दही लेके चलते हैं। ओके,